ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का फोर्थ एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं, उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से
400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीज का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैम फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपीज से अधिक अप्रूव किए गए हैं। साथियों, भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए। फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया। राउंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। And that concludes this inaugural program of the 4th edition of the Global Renewable Energy Investors Meet and Expo RE Invest 2024. I'm going to request everyone in the room to remain here in the room while our Honorable Prime Minister and other dignitaries leave this room.